अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीपीसी के सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 42 तक कवर करेंगे, जो कि डील करते हैं कोर्स बाय विच डिक्रीज में बी एग्जीक्यूटेड, कि कौन कौन सी कोर्स के पास पार है कि वो एक डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। सेक्शन 38 में दो तरह की कोर्स का बताया गया है। सबसे पहले डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इधर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहली कोर्ट, जिस कोर्ट ने एक डिक्री पास की है, वो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। और दूसरे नंबर पे जिस कोर्ट में एक डिक्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोर्ट भी पार रखती है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की। अब सेक्शन 39 में ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री की बात की गई है कि कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक डिक्री को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसके क्लास वन में कह रहे हैं द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, उस कोर्ट में अगर जो डिक्री होल्डर है वो एप्लीकेशन फाइल करता है कि इस डिक्री को किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, तो कोर्ट जो है वो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन पे जजमेंट डिक्री होल्डर है उसकी एप्लीकेशन पे उस डिक्री को किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। अब आगे इसकी ग्राउंड्स बताई गई हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे एक कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो उस डिक्री को किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। सबसे फर्स्ट ग्राउंड, इफ़ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिक्री इज़ पास्ड एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। अब इसमें सिंपल सी ग्राउंड है कि जो जजमेंट डेटर है, जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री पास की गई है, वो जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है, अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो नहीं रिसाइड कर रहा बल्कि किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है, तो फिर या फिर अपना बिजनेस वगैरह चला रहा है, तो फिर जिस कोर्ट ने ये डिग्री पास की है वो उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए अगर इस बात पे सेटिस्फाई होती है कि इस डिग्री को उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र करना चाहिए जहाँ पे ये जजमेंट डेटर रिसाइड कर रहा है, तो फिर ये कोर्ट जिसने डिग्री पास की है इस डिग्री को ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी कोर्ट में। उसके बाद जो अगली ग्राउंड है, इफ़ सच पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी within the local limits of the jurisdiction of the court which passed the decree sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court। तो दूसरी क्या ग्राउंड है कि अगर ये जो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, अगर इस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद ही नहीं है जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन इतनी सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है जिससे उस डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, लेकिन उसकी कोई और प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है, तो फिर यहाँ पे जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है ये उस कोर्ट में ट्रांसफ़र करेगी इस डिक्री को जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर इस जजमेंट की सफिशिएंट प्रॉपर्टी मौजूद है जिससे इस डिक्री को सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद जो अगली ग्राउंड है, इफ़ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ड इट। अब तीसरी ग्राउंड क्या है, जिस कोर्ट ने इस डिक्री को पास किया है, अगर ये डिक्री किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या डिलीवरी से रिलेटेड है, लेकिन जो जजमेंट डेटर है उसकी अगर प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, तो फिर यहाँ पे भी ये कोर्ट दूसरी कोर्ट में डिक्री को ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि जहाँ पे इस पर्सन की प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वही कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल करेगी एग्जीक्यूशन में या फिर उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगी। उसके बाद जो अगली ग्राउंड है, इफ़ द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीज़न विच इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट द डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट। उसके बाद लास्ट पे कह रहे हैं, ऊपर जितनी भी ग्राउंड्स डिस्कस की हैं हम लोगों ने, इन ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और ग्राउंड है जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि हाँ इस डिग्री को किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अपनी रीजंस रिकॉर्ड करके उस डिग्री को ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए।
उसके बाद इसके क्लास टू में कह रही हैं द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंट इट फॉर एग्जीक्यूशन। अब हम लोगों ने ऊपर क्लास वन में पढ़ा था कि डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे जो कोर्ट, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, वो उस डिक्री को किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके क्लास टू में कह रही हैं कि कोर्ट जो है वो खुद भी सो मोटो एक्शन लेते हुए भी इस डिक्री को किसी और कोर्ट में, जो इसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर जो डिक्री होल्डर है वो अगर एप्लीकेशन नहीं भी देता लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये डिक्री ट्रांसफ़र की जानी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट में, तो फिर वो सो मोटो भी कर सकती है। उसके बाद इसके सेक्शन 40 में कह रही हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर प्रोविंस। अगर एक डिक्री को किसी दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफ़र किया जाता है एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर इस डिक्री को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, इसमें बताया गया सेक्शन 40 में। वेयर अ डिक्री इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर प्रोविंस, जहाँ पे किसी और प्रोविंस में एक डिक्री को ट्रांसफ़र किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस। तो ये डिक्री उस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उन रूल्स के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए ये डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा जो रूल्स उस प्रोविंस में इन्फोर्स्ड हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग। सेक्शन 41 इसमें कह रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन आर वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेम द सर्कमस्टांसिस अटेंडिंग सच फेलियर। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जिस कोर्ट में ये डिक्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोर्ट जब इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर लेगी तो वो कोर्ट एक रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट उसी कोर्ट में वापस भेजेगी जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, उसको सर्टिफाई करेगी, उसको बताएगी कि मैंने ये डिग्री एग्जीक्यूट कर ली है। या फिर अगर जिस कोर्ट में ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई थी एग्जीक्यूशन के लिए, वो अगर किसी भी रीज़न से उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकी, तो फिर वो कोर्ट जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगी, उस रिपोर्ट के अंदर वो सारे सर्कमस्टांसिस लिखेगी कि इन इन रीज़न्स की वजह से मैं ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवा सकी। जो भी फेलियर के सर्कमस्टांसिस होंगे वो सारे मेंशन करेगी और उसी कोर्ट में वापस की रिपोर्ट भेजेगी जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, जिस कोर्ट ने इस डिग्री को ट्रांसफ़र किया था एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन 42 इसमें जिस कोर्ट के पास ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, उस कोर्ट की पार्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी पार हैं उस कोर्ट के पास इस डिग्री को एग्जीक्यूट करने की। तो सबसे पहली चीज़, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंट टू इट शैल हैव द सेम पार्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाई इट्सेल्फ। तो सबसे पहली चीज़ कि जिस कोर्ट में डिग्री को ट्रांसफ़र किया गया एग्जीक्यूशन के लिए, उस कोर्ट के पास सेम वो पार्स हैं जैसे अगर वो उस डिग्री को खुद पास करती तो उसके पास पार होती उसको एग्जीक्यूट करने की। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कह रहे हैं ऑल पर्सन डिसोबेइंग आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री शैल बी पनिशेबल बाई सच कोर्ट। अब अगली जो पार बताई गई है इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन एग्जीक्यूशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है या फिर कोर्ट की कोर्ट के आर्डर को ओबे नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे ये जो कोर्ट है ये उस पर्सन को पनिश भी कर सकती है सेम उसी मैनर में अगर ये खुद डिग्री पास करती और एग्जीक्यूशन में अगर कोई पर्सन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता तो इसके पास पार होती उस पर्सन को पनिश करने की। तो यहाँ पे भी वो सेम उसके पास पार होगी जैसे उसने खुद डिग्री पास की है। अगली चीज़ इसमें कह रही हैं एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज इफ। अब इसमें अगली चीज़ ये है कि अगर जिस कोर्ट में ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के दौरान ये कोर्ट अगर कोई भी आर्डर पास करती है तो उसका सेम वही इफ़ेक्ट होगा, उस आर्डर के अगेंस्ट ऐसे ही अपील लाई करेगी जैसे कि अगर इसने खुद डिग्री पास की होती और उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर ये कोर्ट कोई आर्डर पास करती तो उस आर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करती।
अब क्लास टू में फर्दर इस कोर्ट की पार्ट्स बताई गई हैं कि और कौन कौन सी पार्ट्स हैं जो ये कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। तो क्लास वन में जो क्लास ए है उसमें कह रहे हैं पावर अंडर सेक्शन 39 टू ट्रांसफ़र द डिग्री टू अनदर कोर्ट इफ़ नेसेसरी। तो जिस कोर्ट में ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट जो है वो अंडर सेक्शन 39 पावर को यूज़ करते हुए इस डिग्री को फर्दर किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए, अगर ये कोर्ट नेसेसरी समझती है। उसके बाद क्लास बी में कह रहे हैं पार अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 टू परमिट एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगली रिप्रेजेंटेड। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सेक्शन 50 है उसके सब क्लास 1 के अंडर ये कोर्ट इस डिग्री को जो जजमेंट डेटर है वो अगर उसकी डेथ हो गई है तो उस जजमेंट डेटर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। उसके बाद जो सी में पार बताई गई है पार अंडर सब सेक्शन अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स। तो अगर डिग्री में कोई क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो इस जिस कोर्ट में ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट इस अर्थमेटिकल एरर या क्लैरिकल मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है। उसके बाद डी में कह रहे हैं पावर अंडर रूल 16 ऑफ आर्डर 21 टू रिकग्नाइज द असाइनमेंट ऑफ अ डिग्री। तो इसमें भी फर्दर जिस कोर्ट में ये डिग्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए अगर वो कोर्ट किसी भी रीज़न से उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकी, उस डिग्री को किसी और कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र करना चाहती है मतलब कि असाइन कर देगी उस डिग्री को किसी और कोर्ट को कि ये डिग्री जो है वो तुम एग्जीक्यूट करो। लास्ट पे जो इसकी पार है पार अंडर क्लास बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 53 ऑफ आर्डर 21 नोटिस दे सकती है अटैचमेंट का ऑफ डिग्री पास्ड बाय अनदर कोर्ट, जो डिग्री किसी और कोर्ट ने पास की हो उसकी अटैचमेंट का नोटिस दे सकती है। तो ये सेक्शन 38 से लेके 42 तक थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।